Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें हम विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन रिपीट करेंगे विलोम शब्द से रिलेटेड जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, कम्प्लीट वीडियो देखिए और लास्ट में जरूर बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है जो चिरंतन शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है, यानी चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके पास शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चिरंतन शब्द का विलोम होता है नश्वर, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसंश्लेषण। विश्लेषण शब्द का विलोम होता है संश्लेषण, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त का विलोम क्या होगा, मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुप्त शब्द का विलोम होता है प्रकट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या सनातन। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अंधिनत, अत्यल्प, अत्याधिक या अंधीन। तो गाइज अत्यधिक मतलब होता है अधिक मात्रा में, तो इसका विलोम हो जाएगा कम मात्रा में, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अत्यल्प, अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋतु का विलोम क्या है, विकीर्ण, अनरत, वक्र या अनैक्य। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतु शब्द का विलोम होता है अनरत, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी चार विकल्पों में से तीन आपके सही मैच है लेकिन एक सही मैच नहीं है विलोम शब्द का, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला कह रहा है कि यमन का विलोम शब्द वार्धक्य होता है, एकदम सही है। लोलुप का विलोम शब्द संतुष्ट होता है, ये भी एकदम सही है। विश्लेषण का विलोम शब्द विवेचन होता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। इस वजह से इस क्वेश्चन के भी आप आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समष्टि का जो विपरीत अर्थक शब्द होता है वो होता है व्यष्टि, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए, पतन, अपकर्ष, अभ्रष्ट या विकर्ष। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुराग का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग या विराग। यहाँ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, यष्टि, दृष्टि, व्यष्टि या सृष्टि। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, समष्टि शब्द का विलोम होता है व्यष्टि, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अवर शब्द का विलोम बताइए, दूसरा, अपर, प्रवर या अधम। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है प्रवर, यानी प्रवर, अवर शब्द का विलोम होता है प्रवर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, शाश्वत, नश्वर, सनातन या अमर। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है शाश्वत, ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अधोलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है, प्रसारण, सकुंचन। प्रसारण का विलोम क्या होता है, सकुंचन होता है, बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन इसमें से सही नहीं है इस क्वेश्चन के बिहाव पे। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज होता है, ये भी करेक्ट है। भिन्न का विलोम शब्द सभिन्न होता है, ये क्या है, गलत है, यानी भिन्न का विलोम शब्द होता है अभिन्न, यहाँ आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाव पे सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जीवन दायिनी शब्द का विलोम क्या होगा, प्राणघातिनी, अजीवन दायिनी, प्राणात्मक वाहिनी या जीवन प्रदायिनी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन दायिनी मतलब जो जीवन देती है, प्राणघातिनी जो प्राण लेती है, तो ये क्या है, आपस में विलोम शब्द है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अमूर्त शब्द का विलोम बताइए, मूर्त, साकार, प्रत्यक्ष या मूर्तिवान। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त का विलोम होता है मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा, मंदबुद्धि, विद्वता, विदुषी या मूर्ख। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, विद्वान शब्द का विलोम होता है मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सभ्य शब्द का विलोम बताइए, बेसभ्य, असभ्य, अनसभ्य या उज्जड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभ्य का विलोम होता है असभ्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुशल के विपरीतार्थक शब्द के क्रमांक पर निशान लगाइए, यानी कुशल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके पास कमजोर, अनाड़ी, मूर्ख या अशिक्षित। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशल का विलोम होता है अनाड़ी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संतोष शब्द का विलोम क्या होगा? असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी। यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, संतोष शब्द का विलोम होता है असंतोष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति के जो विलोम होता है वो निवृत्ति होता है, बिल्कुल सही है। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है, ये भी करेक्ट है। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो परवर्ती होता है, ये क्या है? ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द। तो जो विपरीत अर्थ बताएं उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि निषिद्ध शब्द का विलोम बताइए, पिहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या प्रतिबंधित। यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम क्या है? सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम या जटिल। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैसर्गिक शब्द का विलोम होता है कृत्रिम। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए, यानी उन्मूलन जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। यहाँ का सी ऑप्शन सही है, उन्मूलन शब्द का विलोम होता है रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? इतिश्री, समापन, अंत या अथ। यहाँ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्री गणेश शब्द का विलोम होता है इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द बताइए, सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थावर शब्द का विलोम होता है जंगम। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहूत का विलोम शब्द बताइए, भूत, अनुभूत, अपहूत या अनाहूत। यहाँ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आहूत का विलोम होता है अनाहूत। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथक, पृथक, इति या अति। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, अथ का विलोम होता है इति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा? अवादी, विवादी, प्रतिवादी या अनावादी। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त, ग्राह, मुक्त या लुप्त। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए, स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य। यहाँ सा की भिन्नता दिखाई गई है और आपको राइट सा वाला सेलेक्ट करना है कि इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सृष्टि का विलोम बताइए, यानी सृष्टि शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि मतलब होता है संरचना और प्रलय मतलब होता है सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। यह सृष्टि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रलय। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहिरंग का विलोम शब्द बताइए, सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अभ्यंग। यहाँ बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अभिस्थित, अनिप्सित, परोपसित या सुनिप्सित। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि साहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, साहचर्य शब्द का विलोम शब्द होता है अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विराट शब्द जो है उसका विलोम शब्द कौन सा है? बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विराट शब्द का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा वो बताइए, लाघव, लघुत, लघुता या लघुतम। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है,
गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। तो इस वीडियो में हमने टोटल 39 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी विलोम शब्द से रिलेटेड थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। तो इन 39 क्वेश्चन को बार एक दो बार आप और देख लीजिए, यानी एक इस वीडियो को अगर आप दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं तो सभी आपके माइंड में अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये डेफिनेट है। तो आप जरूर से इस बार इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।